स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। यूपी में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में किसान न्याय रैली करने वाली हैं। रैली के जरिए प्रियंका गांधी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र टेनी की बर्खास्तगी, लखीमपुर हिंसा के आरोपियों की गिरफ्तारी और 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग भी करेंगी। ऐसे में कांग्रेस ने आज वाराणसी में होने वाले प्रियंका गांधी के कार्यक्रम का एक पोस्टर शुक्रवार को ही जारी कर दिया था, जिसमें प्रियंका की तस्वीर के साथ किसान न्याय रैली का उल्लेख किया गया है। कांग्रेस द्वारा जारी पोस्टर के अनुसार रविवार को वाराणसी के जगतपुर इंटर कॉलेज के मैदान में आयोजित होने वाली किसान न्याय रैली के लिए चलो बनारस का नारा दिया गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और सपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह की 100वीं जयंती पर होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सहारनपुर पहुंचेंगे। इस मौके पर अखिलेश यादव सहारनपुर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे और ऐसे में उत्तर प्रदेश में होने वाले 2022 विधानसभा चुनाव का आगाज समाजवादी पार्टी द्वारा बहुत पहले ही कर दिया गया था, लेकिन आज सहारनपुर में समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव एक बड़ी रैली को 2022 चुनाव से पहले संबोधित करने जा रहे हैं। ऐसे में यूपी चुनाव के लिए अभी से सभी पार्टियों ने अपनी अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। सभी राजनीतिक पार्टियों के बीच सियासी हलचल तेज होती जा रही है और हर छोटी बड़ी पार्टियां जनता को लुभाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन कर रही हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की तो समाजवादी पार्टी द्वारा आज सहारनपुर जनपद सहारनपुर क्षेत्र तित्रो में चौधरी रुद्रसेन और चौधरी इंद्रसेन द्वारा एक बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां शिरकत करने के लिए अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी द्वारा आंकलन लगाया जा रहा है कि लाखों की संख्या में लोग अखिलेश यादव को सुनने के लिए वहां पर पहुंचेंगे, जिसे लेकर एक विशाल पंडाल भी तैयार किया जा रहा है। साथ ही रैली के स्थान पर सहारनपुर एसएसपी और जिलाधिकारी द्वारा निरीक्षण भी किया गया और रैली के संयोजक चौधरी इंद्रसेन ने अधिकारियों को बताया कि पार्टी के सभी बड़े कार्यकर्ता अनुशासन का पालन करते हुए पूरी व्यवस्था संभालने में जुटे रहेंगे और जो कार्यकर्ता व्यवस्था में लगे हुए होंगे उनकी सूची प्रशासन को दे दी गई है। भारत में कोरोना संक्रमण का कहर अब पहले से काफी कम हो गया है। लगातार तीसरे दिन कोरोना के मामले घटे हैं और ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से रविवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 18,167 नए कोरोना केस सामने आए हैं, जबकि 214 कोरोना संक्रमितों की जान चली गई है। वहीं बीते 24 घंटे में 23,624 लोग कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं, यानी कि 5,672 एक्टिव केस कम हो गए हैं और ऐसे में कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 3,39,53,000 लोग संक्रमित हुए हैं और इनमें से 4,50,589 लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब तक 3,32,71,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं। साथ ही देश में कोरोना एक्टिव केस की संख्या करीब 2 लाख है और ऐसे में कुल 2,30,971 लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जिनका इलाज चल रहा है। वहीं केरल में शनिवार को कोविड के 9,470 नए मामले सामने आने के साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 47,84,109 पर पहुंच चुकी है, जबकि राज्य में महामारी से 101 और मरीजों की मौत के बाद मृतकों की तादाद बढ़कर 26,173 हो चुकी है और ऐसे में केरल में 5 अक्टूबर को 9,735 नए मामले सामने आए थे, जिसके बाद ये 6 अक्टूबर को बढ़कर 12,616 हो गए थे। ऐसे में राज्य में 7 अक्टूबर की बात करें तो 7 अक्टूबर को 12,288 नए केस सामने आए थे और 8 अक्टूबर को ये घटकर 10,944 हो गए थे।
तेल कंपनियों ने आज लगातार छठे दिन पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ाए हैं। ऐसे में दिल्ली में पेट्रोल का दाम 104 और मुंबई में 110 रुपए प्रति लीटर पर के पार पहुंच चुका है। दिल्ली में पेट्रोल बता दें आज 30 पैसे बढ़कर 104.14 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है, जबकि डीजल 35 पैसे बढ़कर 92.82 रुपए प्रति लीटर हो चुका है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 29 पैसे बढ़ा है और जबकि अब पेट्रोल 110.12 रुपए प्रति लीटर पर मिल रहा है, जबकि डीजल में 37 पैसे का इजाफा हुआ है और इसके साथ ही मुंबई में डीजल 100.66 रुपए प्रति लीटर पर बिक रहा है। वहीं कोलकाता में पेट्रोल का दाम बढ़कर 104.80 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच चुका है, तो डीजल 95.93 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। चेन्नई की बात करें तो चेन्नई में पेट्रोल के दाम 101.53 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच चुके हैं, तो डीजल 97.26 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच चुका है। वहीं मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में पेट्रोल अब 100 रुपए से प्रति लीटर से ज्यादा मिल रहा है और इसके अलावा बता दें कि राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर के पार हो चुका है। पेट्रोल की कीमतों में 5 सितंबर से स्थिरता बनी हुई थी, लेकिन तेल कंपनियों ने आखिरकार पिछले हफ्ते अपने पंप की कीमतें बढ़ा दी थी और इस हफ्ते उत्पाद की कीमतों में भी तेजी आई है। ऐसे में देश भर में भी पेट्रोल और डीजल में 30 से 40 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि हुई, लेकिन राज्य में स्थानीय करों के स्तर के आधार पर उनकी खुदरा दरें कई हैं। ऐसे में देश में तेल की कीमतें इस साल अप्रैल से इसकी खुदरा दरों में 41 बढ़ोतरी की वजह से रिकॉर्ड स्तर पर मंडरा रही है और ये कुछ मौकों पर गिरा लेकिन काफी हद तक स्थिर ही रहा है। नवदुर्गा आने वाले त्योहारों और विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए तीनों जोन के डीसीपी, एडीसीपी और सभी एसीपी के साथ थाना प्रभारी की तरफ से पिनाक कमांडो और पुलिस बल के साथ जिले के सभी थाना क्षेत्रों में पैदल मार्च करते हुए संवेदनशील स्थानों, बाजारों और अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। आपको बता दें पैदल मार्च के दौरान पुलिस की तरफ से सभी महत्वपूर्ण स्थानों, मॉल, मेट्रो स्टेशन, बस स्टैंड और व्यस्त मार्केट पर डॉग स्क्वाड की मदद से चेकिंग की गई और ऐसे में स्थानीय लोगों को जागरूक किया गया और सभी नागरिकों से त्योहारों में बाजारों में भीड़ भाड़ होने की वजह से शांति व्यवस्था बनाए रखने, संदिग्ध लोगों से दूरी बनाए रखने और कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील भी की गई। साथ ही किसी भी संदिग्ध वस्तु व्यक्ति के बारे में संदेह होने पर तत्काल पुलिस को सूचना देने के लिए भी लोगों को कहा गया है। गौतम बुद्ध नगर में पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देश पर जितने भी वाइटल इंस्टॉलेशन हैं, जो भी व्यस्त मार्केट हैं, जो भी मॉल्स हैं, मेट्रो स्टेशन हैं, बस स्टैंड हैं, हर जगह पर कमांडो टीम के द्वारा, डॉग स्क्वाड के द्वारा, स्थानीय पुलिस के द्वारा लगातार चेकिंग की जा रही है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि कहीं पर भी कोई संदिग्ध वस्तु या संदिग्ध व्यक्ति अगर दिखाई दे तो उसकी सूचना तत्काल 112 नंबर या स्थानीय पुलिस को दें। लोगों के अंदर सुरक्षा की भावना पैदा किया जा रहा है। इस त्यौहार के सीजन में लगातार हम लोग चेकिंग करते रहेंगे। त्यौहार के सीजन में लोगों से अपील है कि वो अपने आसपास की जो भी चीज़ें हैं उस पर ध्यान दें और पुलिस को सूचना दें। मास्क का प्रयोग जरूर करें, 2 गज की दूरी जरूर बना करके रखें, त्यौहार को अच्छे तरीके से मनाएं, लेकिन जो सुरक्षा की भावना हम लोगों ने पैदा करने के लिए पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है उसके लिए आपको कंधे से कंधा मिलाकर रहें। कोई भी बात हो तो हमें जरूर अवगत। सुल्तानपुर में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने संयुक्त संयोजक में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कश्मीर में आतंकवादियों की तरफ से हिंदू की हत्या के विरोध में प्रदर्शन कर पाकिस्तानी झंडे को जलाया। आपको बता दें और राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा, साथ ही नगर के जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय के गेट के पास चौराहे पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त संयोजक तत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आतंकवाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए और पाकिस्तान का पुतला भी फूंका। साथ ही काशी प्रांत बजरंग दल सह संयोजक आनंद शुक्ला ने कहा कि कश्मीर में पिछले 5-7 दिनों में 7 हिंदुओं की हत्याएं हो चुकी हैं और हिंदुओं को ही मारा जा रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से ही आतंकवादियों के जरिए ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है।
ठोकर मारना 1990 के दशक की घटना का पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए पूरे देश में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा देशव्यापी एक प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा है, जिसके क्रम में आज सुल्तानपुर के सभी प्रखंड स्तर पे ये पुतला दहन का कार्यक्रम और ज्ञापन देने का कार्यक्रम चल रहा है। लगा उधर जिस तरह पूरी दुनिया में इस्लाम के नाम पर गैर मुसलमानों को कत्ल किया जा रहा है, हम हिंदू परिषद बजरंग दल इसकी घोर निंदा करते हैं। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद। अगर पाकिस्तान हमारे एक हिंदू भाई को मारेगा, एक सिख भाई को मारेगा, तो हम याद रखें पाकिस्तान हम चार मारेंगे। बजरंग दल प्रखंड स्तर पर, खंड स्तर पर, गांव स्तर पर पूरी तरह तैयार है लोहा लेने के लिए। और आज इस स्तर पर हमारे जिला संयोजक सौरभ जी पूरी तरह तैयार है। गाँव गाँव में संगठन को खड़ा कर दिया गया। अगर इस्लाम के नाम पर किसी को छेड़ा गया तो याद रखिए ये अफगानिस्तान नहीं है, ये भारत की जन्मभूमि है और यहाँ महापुरुषों की जन्मभूमि है। ईद का जवाब पत्थर से देंगे। इसलिए पाकिस्तान अपनी इस्लामिक चेहरा बंद करो। अगर हमारे किसी भाई को तुमने मारा जम्मू कश्मीर में तो तुम्हें घर में घुस के मारेंगे। जय हिंद, जय भारत। सहारनपुर के कोतवाली बेहद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि बदमाशों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की गई 11 बाइक, एक तमंचा और चाकू भी बरामद कर लिया है। ऐसे में सीओ बेहद ने पकड़े गए बदमाशों को जेल भेज दिया है। तो सहारनपुर का पूरा मामला है जहाँ पर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई जिसके बाद पुलिस ने बदमाशों को 11 बाइकों सहित गिरफ्तार कर लिया है। घटना एसएसपी महोदय के निर्देशन में अपराधियों के रोकथाम एवं वंचितों की गिरफ्तारी के उसमें मुखबिर से सूचना मिली कि शहाबुद्दीन तिराहे के पास दो मोटरसाइकिल से तीन लोग आ रहे हैं, जिस पर जो है हमारी पुलिस टीम वहां पर लगाई गई। पहली मोटरसाइकिल जिसमें दो लोग थे, पीछे का लड़का, उसमें फायर किया, जिसमें पुलिस ने जो है दो लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है, जिसमें काफ़ी पूछताछ के बाद इनसे 11 मोटरसाइकिलें बरामद हुई है। इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। एक दूसरा जो भाग गया उसकी तलाश जारी है। इसमें एक तो 11 मोटरसाइकिल, एक के पास से एक असलहा और कारतूस बरामद हुई है। इनका पुराना इतिहास ये रहा है कि ये कुर्बान पुत्र इरफान जो नौगवा मिर्जापुर का है, ये गंगेस्टर के अपराध में भी पहले से जेल जा चुका है। इस पर अन्य मुकदमे भी हैं और नईम जो है इसके साथी था। रुड़की के पिरान कलियर में साबिर साहब का 53वां उर्स शुरू हो चुका है। पर इसमें दरगाह के अंदर साबिर पाक की दरगाह में बेअदबी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दरगाह परिसर में ही सजादा परिवार के लोग रेलिंग फांद कर दरगाह में प्रवेश कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब सजादा परिवार ही दरगाह में बेअदबी कर रहा है तो और लोग वहां पर क्या करेंगे। वहीं दरगाह प्रशासन के वो लोग कहां हैं जिनकी ड्यूटी दरगाह परिसर में लगाई गई है। ये सवाल एक या दो लोगों के नहीं बल्कि पिरान कलियर के बहुत लोगों के हैं। वहीं आसपास के समाज सेवी आम नागरिकों में इस बात को लेकर काफी रोष है। लोगों का कहना है कि काफी बेअदबी की जा रही है और जो यहाँ के लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस मामले में स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि जो लोग खुद को सजादा कहते हैं वो असल में सजादा नहीं हैं, क्योंकि वक्फ बोर्ड की तरफ से कभी भी किसी को सजादा नियुक्त नहीं किया गया है। ये सजादा परिवार फर्जी है और लोगों की आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये सरासर गलत है, इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर दरगाह प्रबंधन को कार्रवाई करनी चाहिए और इसकी तहरीर देनी चाहिए और इसको पुलिस प्रशासन को भी एक्शन लेना चाहिए। ये उस वली का दरबार है जो देश में नहीं विदेश में भी प्रसिद्ध है और यहाँ की आस्था को, यहाँ के जायरीनों को और बाहर से आए हुए जायरीनों को बहुत ज़्यादा ठेस पहुँची है। और इन पर जब तक के कानूनी कार्रवाई नहीं हो तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो दरगाह दफ्तर है और कानून है, ये अगर इन पर कार्रवाई नहीं करते तो ये शर्मनाक बात है जी। जहाँ तक भी हमारे पे होगा, क्योंकि हम साबिर पाक के मानने वाले हैं, जो भी हमारे से होगा हम वो करेंगे।
जो लोग रेलिंग वो अंदर जाए वो अपने आप को यहाँ के सज्जादा बताते हैं, लेकिन कोई सज्जादा यहाँ रजिस्टर्ड नहीं है। वो खानकाही लोग बताते हैं, खानकाही निज़ाम कहते हैं कि खानकाही निज़ाम चलाते हैं। खानकाही निज़ाम आप भारतवर्ष में चलता है, आप जाके देख लें, कहीं भी मदारस चलते हैं और भाई कहीं यतीम खाने चलते हैं। हमारे मैंने भी बताया था आपको, हमारे जो यहाँ बुजुर्ग हुए हैं वो बाबा गरीब सा है। देखिए ये दरबार मखदूम है और इसके अदब के चर्चे दूर दूर तक हैं। एक तरफ तो ये लोग अपने आप को खानकाही निज़ाम का सिलसिले वाले लोग बताते हैं, हालांकि सज्जादे हम इन लोगों को मानते नहीं, पर खानकाही निज़ाम वाले तो मानते हैं। और खानकाही निज़ाम में इस तरह की बेहुरमती बिल्कुल सही नहीं है। और जैसा कि DGP साहब के आदेश हैं कि मिशन आस्था के तहत अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी धार्मिक स्थल पर किसी भी तरह की बेहुरमती करता है, हुड़दंग करता है, उसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करती है वहाँ की पुलिस स्वयं संज्ञान लेकर। तो मेरी यही चाह है कि यहाँ की पुलिस स्वयं संज्ञान ले और इन उपद्रवियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करे। इसके अलावा अगर पुलिस खुद भी संज्ञान नहीं लेती है तो मेरी दरगाह प्रबंधन से कम इतनी तो आज ज़रूर है कि दरगाह प्रबंधन इन लोगों के खिलाफ तहरीर दे और मुकदमा दर्ज कराए। तो खुलेआम दबंगता है ये? बिल्कुल खुलेआम दबंगता है, और अलग अलग डिपार्टमेंट्स के दोबारा कार्रवाई ना किए जाना ये भी एक तरह से कहीं ना कहीं शर्मनाक बात है। तो अगर देखिए जैसे कि यहाँ के नगर अध्यक्ष ने, भीम आर्मी के नगर अध्यक्ष राशिद अली ने भी बताया और हमारे माननीय सभासद ने भी बताया कि अगर इस पर कोई कार्रवाई ना की गई, क्योंकि आए दिन वीडियो वायरल हो रही है, कभी किसी फर्जी खादिम की वायरल हो रही है, कभी किसी सज्जादे परिवार की वायरल हो रही है, इन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई ना की गई तो जल्दी ही हम दरगाह प्रबंधन के दरगाह कार्यालय के समक्ष धरना देंगे। देखिए इनकी सबकी जानकारी लेके इनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसके हम लोग देख रहे हैं कौन कौन है इसमें, इनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ये वीडियो बाकायदा सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, सज्जादा परिवार के लोग हैं जो इस तरीके से बात कर रहे हैं, तो क्या आपकी तरफ से कोई तहरीर दी जाएगी? जी अभी ऐसा है, इसमें ज्वाइंट मजिस्ट्रेट से मिलकर इसमें कार्रवाई की जाएगी। रुड़की पुलिस ने दो बड़े शातिर गिरोह का भंडाफोड़ कर 8 आरोपियों के घर को दबोचा है। आपको बता दें इसमें 4 आरोपी बाइक चोर गिरोह के सदस्य हैं, जबकि अन्य 4 मोबाइल टावरों से बैटरी चोरी की घटना को अंजाम देते थे। आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की बाइकें और बैटरियां भी बरामद हुई हैं और दोनों मामलों का खुलासा रुड़की गंगनहर कोतवाली में SP देहात प्रेमेंद्र सिंह डोबाल ने किया है। और SP देहात प्रेमेंद्र सिंह डोबाल ने बताया कि सफरपुर निवासी अंजलि सिंह ने गंगनहर कोतवाली में तहरीर देकर बताया था कि 2 मोटरसाइकिल सवार युवक उसका पर्स और मोबाइल छीनकर फरार हो गए थे, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी। वहीं पुलिस टीम जब सलियर बैजमेर के पास चेकिंग कर रही थी तभी मुखबिर से सूचना मिली कि घटना को अंजाम देने वाले युवक चोरी की मोटरसाइकिल पर माधोपुर गाँव के पास हाईवे से सालियार की ओर आ रहे हैं। तभी पुलिस टीम ने सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए 2 अलग अलग मोटरसाइकिलों पर आ रहे 4 युवकों को रोका। जब युवकों से कड़ाई से पूछताछ की गई तो उन्होंने मोटरसाइकिल चोरी करना और पहले की गई पर्स मोबाइल छीनने की घटना को भी कबूल किया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर कुल 10 चोरी की मोटरसाइकिलें भी बरामद की हैं। वहीं गिरफ्तार आरोपियों को जेल भी भेज दिया गया है। तो रुड़की का यह पूरा मामला है जहां पर 2 बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है और पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेज दिया है। साथ ही पुलिस के साथ हाथ ये बड़ी सफलता लगी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पुलिस ने इस पूरी घटना का खुलासा कर दिया है। आपको बता दें ये पहले भी कई तरह की चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे, जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने इन सभी को पकड़ लिया है। थाना क्षेत्र में 26 तारीख को एक घटना, एक महिला का पर्स चुनौती का हुआ था, उसको पुलिस ने संज्ञान में लिया था। उस पर CIU और गंगनहर थाना पुलिस ने लगातार प्रयास कर रहे थे। उसमें अभी जो है टोटल ये जो एक गैंग है जो पहले मोटरसाइकिल चोरियां करती थी, उसके बाद इनके द्वारा जो अन्य घटनाओं को अंजाम दिया जाता था, तो ये जो कुल मिला के 10 गाड़ियां इनसे मिली हैं। 10 गाड़ियों में 5 जो हैं हमारे जनपद से ही चोरी की गई हैं, बाकी अन्य जनपदों से हैं। और जो महिला का पर्स इनके द्वारा जो छीना गया था उसमें जो नकदी थी और जो अन्य सामान था वो भी बरामद हुआ है। तो कुल 6 घटनाओं का इसमें आरोपण किया गया। कांग्रेस पार्टी मिशन 2022 के लिए हर मोर्चे पर तैयारियों में जुटी हुई है। सोशल मीडिया के जरिए जनता के बीच अपनी पैट बनाने और विपक्षी दलों से सोशल मीडिया पर मोर्चा लेने के लिए कांग्रेस पार्टी खासी
तैयारी कर रही है, जिसके तहत हरिद्वार में कांग्रेस के सोशल मीडिया ट्रेनिंग कैंप का आयोजन हुआ और सोशल मीडिया ट्रेनिंग कैंप में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गौदियाल समेत कई कांग्रेस नेता शामिल हुए। साथ ही पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता सोशल मीडिया में ट्रेनिंग लेने के लिए पहुंचे और एक दिवसीय ट्रेनिंग कैंप में सोशल मीडिया के एक्सपर्ट कई नेताओं ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया की बारीकियां बताई और प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने कहा कि सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिससे ज्यादा लोगों तक अपना संदेश और विचार पहुंचाया जा सकता है। तो हरिद्वार में सोशल मीडिया ट्रेनिंग कैंप का यह आयोजन किया गया। कांग्रेस पूरी तरह से अब विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड में कमर कस चुकी है और ऐसे में किसी भी मोड़ पर कोई भी कमी कांग्रेस नहीं छोड़ना चाहती, इसीलिए हर मोर्चे पर तैयारी करने में कांग्रेस जुटी हुई है। इसीलिए सोशल मीडिया कैंप ट्रेनिंग का ये आयोजन किया गया, जिसमें सोशल मीडिया के बारे में कार्यकर्ताओं को जानकारी दी गई और हर बारीकियों के बारे में उन्हें बताया गया। हम जो एक पैरेलल वार चल रही है, जिसमें अच्छे और बुरे हर तरीके के मैं देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी हो या हमारी अन्य पार्टियां हैं, वो लगातार इसका मिसयूज कर रही है। हम समझते हैं कि सोशल मीडिया का एक अच्छा उपयोग होना चाहिए, जो हमारी नीतियां हैं, जो हमारे कार्यक्रम हैं, उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया एक अहम रोल अदा करता है। और उसी संबंध में आज भाई रोहन जी, जो हमारे नेशनल सोशल मीडिया के हेड हैं, और भाई गणेश गौदियाल जी के नेतृत्व में आज ये हमारा कार्यक्रम है, और जिसमें हमने पूरे प्रदेश से लगभग 350 से 400 जो हमारे पदाधिकारी हैं या अन्य जो महत्वपूर्ण लोग हैं, जो कहीं ना कहीं वॉलंटियरिंग के लिए जिन्होंने अपने आप को सामने लेकर आए हैं, हमने उनको यहाँ पर एक दिन की ट्रेनिंग के लिए आमंत्रित किया है। और इसमें विभिन्न स्पीकर्स इस दौरान हमारे माननीय हरीश रावत जी या प्रीतम सिंह जी, वो सब आएंगे और अपनी अपनी बात रख के जाएंगे। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से जुड़े ड्रग्स केस में एक और अहम जानकारी सामने आई है। एनसीबी ने शनिवार को शाहरुख के ड्राइवर से लंबी पूछताछ की थी और जानकारी के मुताबिक ड्राइवर ने यह स्वीकार किया है कि उसने आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट को क्रूज टर्मिनल पर ड्रॉप किया था। एनसीबी ने शाहरुख खान के ड्राइवर को समन भेजकर उनसे भी ड्रग्स मामले में करीब 12 घंटे तक पूछताछ की और एनसीबी ने ड्राइवर से आर्यन खान और उनके दोस्तों की एक्टिविटीज को लेकर भी पूछताछ की है। ऐसे में एनसीबी सूत्रों के मुताबिक ड्राइवर ने यह कबूल किया है कि उसने आर्यन और अरबाज को क्रूज टर्मिनल पर छोड़ा था और एनसीबी ने ड्राइवर का बयान दर्ज कर दिया है। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी में यह भी सामने आया है कि आने वाले दिनों में शाहरुख खान के ड्राइवर का बयान एनसीबी कोर्ट में इस्तेमाल करेगी और एनसीबी आर्यन खान की जमानत का अदालत में तमाम सबूतों के साथ विरोध भी करेगी। जांच में यह भी सामने आया था कि आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट, प्रतीक गाबा के साथ एक और शख्स आर्यन के बंगले मन्नत से एक साथ मर्सिडीज गाड़ी में निकले थे। ऐसे में एनसीबी के मुताबिक ये सभी लोग एक साथ क्रूज पार्टी के लिए निकले थे और ऐसे में क्रूज पार्टी से कुछ दिन पहले ड्रग्स को लेकर बातचीत भी हुई थी, जिसका एनसीबी को सबूत मिला है। ये एक साजिश थी और इसी की जानकारी के बाद एनसीबी ने एनडीपीएस के सेक्शन 29 को एफआईआर में ऐड किया है। एनसीबी ने इस बात को और पुख्ता करने के लिए ड्राइवर का भी बयान दर्ज कर लिया है। पिछले 2 दिनों से ऋषिकेश के प्रीतनगर क्षेत्र के ग्रामीण पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसे में मगर जल संस्थान ने इस दौरान टैंकर की व्यवस्था तक नहीं कर पा रहा है। आरोप है कि देर रात तक अधिकारी मोटर ठीक होने का हवाला देते रहे, लेकिन मौके पर ग्रामीणों का कोई भी मोटर ठीक कराता हुआ दिखाई नहीं दिया। जल संस्थान के कार्यशैली को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश भी नजर आया। हालांकि आपको बता दें कि प्रीत नगर, रायवाला और खांड गांव में पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नए ओवरहेड टैंक और नई पेयजल पाइपलाइन बिछाई गई है, लेकिन ग्रामीणों को बेहतर सुविधा मिलने की बजाय यहां के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल लोग दूर दराज क्षेत्रों से पीने का पानी लाने के लिए मजबूर हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।